हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की मेरी वीडियो में मैं दीवी की से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ बुक ऑफ कलेक्शन है उसका जो मैंने करवाया है एंड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब मैं शेयर करूँगी। माय डॉटर दीवीज एज इज़ अराउंड 20 months। शी इज इन दिसंबर, शी विल बी 24 months, यानी कि 2 years की वो हो जाएगी। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चे को आप क्या करा सकते हैं। आपके बच्चे के एज ग्रुप अगर 1.5 से 2.5 साल तक और इवन अगर 3 years तक का भी आपका बच्चा है, 2 to 3 years का, तो भी आप ये चीज़ें अपने बच्चे को करा सकते हैं। सो बेसिकली उसका आप समझ सकते हैं कि मैं उसे नर्सरी और लाइक प्ले ग्रुप और प्री नर्सरी का जो सिलेबस है वो एक तरह से मैंने उसके लिए इंक्लूड किया है मेरी होम स्कूलिंग में। सो जिसमें कि मैं उसे कराती हूँ लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, राइट, एंड लेटर एंड नंबर आइडेंटिफिकेशन मैं उसे कराती हूँ। मेरे पास कुछ मटेरियल है जस्ट टू शो यू और सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजी। लाइक दीज आर द अल्फाबेट्स दैट आई हैव इन लाइक कैपिटल ए, स्मॉल ए, एंड इनकी मैचिंग करनी होती है इस तरह से कौन सा किस लेटर के साथ जाएगा। ये उसे आता नहीं है अभी, सी कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि ये वेल है, शी कांट आइडेंटिफाई कि दिस इज़ कैपिटल ई स्मॉल ई एंड ये इसी के साथ जाएगा। सो ये एक्टिविटी मैं उसे कराती हूँ सो दैट सी कैन लर्न इट। सी जस्ट नोज कि इसको ऐसे ज्वाइन करना होता है, किसी के साथ भी सी कैन ज्वाइन, राइट। सो आप अगर कराते रहेंगे तो आपके बच्चे को इससे क्या बेनिफिट है कि आपका बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू बोर नहीं होगा और ट्राई टू लर्न इट। सेकंड थिंग जो मैंने उसके लिए ट्राई की हुई है कि ये जो बुक थी मैंने ये ट्राई की थी उसके लिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बुक व्हेन शी वाज लाइक 1 year old तब मैंने ली थी। सो ये बुक ऑलमोस्ट उसे आती है बट जस्ट अभी जो उसका जो चल रहा है सिलेबस दैट इज़ फॉर दी अल्फ़ाबेट एंड नंबर आइडेंटिफिकेशन एंड उन्हें आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना, वो वाला पोर्शन उसका अभी मैं करा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और जो बुक है उसके लिए जो एमओ की थी ऑल इन वन वाली, इससे भी मैं उसे कराती हूँ क्योंकि इसमें फिर हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, काउंटिंग भी आ जाती है 1 to 10 एंड ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब इसमें आ जाते हैं जो मैं उसे कराती हूँ। नेक्स्ट जो इनके अलावा मैं मेरे पास हैं वो हैं अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन के लिए ही हैं जो मैं इंक्लूड करती हूँ उसके लिए, लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें। ये अल्फ़ाबेट है गेम के थ्रू आप, एंड नंबर्स के भी हैं मेरे पास, ये मैग्नेटिक हैं एंड मेरे पास प्लास्टिक के भी हैं, ये वुडन के हैं, प्लास्टिक वाले मैग्नेटिक नहीं हैं। सो आप इस तरह के कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अदरवाइज आप फ्लैश कार्ड के थ्रू भी करा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक चार्ट था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नॉर्मल जो अपने बच्चों के लिए होता है ये वही था। मेरा ये फट गया था थोड़ा, तो फिर मैंने इसके क्या किया, कट करके फ्लैश कार्ड बना लिया इस तरह से। सो आप इस तरह से भी बच्चे को करा सकते हैं बिकॉज इनमें फ़ोटो और लेटर दोनों दिए होते हैं तो बच्चा दोनों चीज़ आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड स्मॉल लेटर्स एंड फोनिक साउंड के लिए मैंने ये फ्लैश कार्ड बनाए थे एमए के लिए और यही मैं दीवी के लिए भी यूज़ कर रही हूँ कि स्मॉल लेटर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसे ये भी पता चलेगा कि ओ इसको भी ए बोलते हैं और ये इसकी फोनिक साउंड होती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर आइडेंटिफिकेशन में जब आप बच्चे को करवा रहे हैं कि ये 1 है तो नॉट ओनली 1 आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको बच्चे को काउंटिंग भी सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास यहाँ पे ये 3 circles हैं, राइट, और यहाँ 3 number है, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बताना है कि ये 3 है या ये 3 poles, आपको बच्चे को ऐसे कराना है कि हाउ मैनी दीज आर 1, 2, 3, सो ये किसके साथ मैच होगा, 3, हाउ मैनी दे आर 3, 1, 2, 3, 3, राइट। सो इस सब का बच्चा चीज़ों को काउंट करना भी सीखेगा,
कि इस तरह से काउंट करते हैं, और उसे ये भी पता चलेगा कि दिस इज 3 नंबर, आइडेंटिफिकेशन भी सीखे। सो नेक्स्ट जो मेरे पास है पिक्चर डिक्शनरी। पिक्चर डिक्शनरी इज जस्ट टू लाइक इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू योर चाइल्ड। दिस इज फॉर प्री स्कूल। इट लाइक ए फॉर एप्पल, अपार्ट फ्रॉम ए फॉर एप्पल वॉट एल्स वी हैव, एलमंड, एरोप्लेन, एंड अबकस, लाइक दैट। बी से वॉट वी हैव, सी से वॉट वी हैव, लाइक दैट। दिस टाइप ऑफ बुक यू कैन बाय, दिस इज वेरी 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 गुड बुक। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट आई हैव फॉर इंग्लिश इज दिस वन, फर्स्ट 1000 वर्ड्स। ऐसे 500 की भी मिलती है। ऐसी कोई भी बुक आप ले लीजिए जिसमें काफ़ी सारे आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। डिटेल में इन द सेंस की एक्सेसरीज क्या होती हैं, स्कूल में क्या चीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होते हैं, क्लोथ्स के क्या क्या नेम होते हैं, किस तरह के होते हैं, बेडरूम में क्या होता है, बालकनी में क्या होता है, बाथरूम में क्या होता है, किचन में क्या होता है। सो मीन्स ऑलमोस्ट जो हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके बच्चे की कवर हो जाएंगी। टॉयज़ के नेम, इंडोर गेम्स, लाइक दैट एवरीथिंग। नेक्स्ट जो मेरी डॉटर के लिए है वो है एक कलरिंग बुक, आप बोल सकते हैं। मेरे पास ये कलरिंग बुक है। एक दो और भी कलरिंग बुक हैं बिकॉज ये ऑलरेडी कर दी है उसने कंप्लीट। सो ऐसा नहीं है कि ये उसने की हैं, ये इसमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं जो मैंने की हैं, सो दैट कि उसका भी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो कि इस तरह से करनी है हमें। जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे हमें देखते हैं और सीखते हैं, राइट? सो इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसकी इंग्लिश जैसे फाइन मोटर स्किल के लिए मैंने अभी उसे थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी स्टार्ट किया है। राइटिंग वर्क इन द सेंस कि इस तरह से इन डॉट्स को, उसे बच्चे को, छोटे बच्चे को मार्कर वगैरह इन सब से बहुत पसंद होता है उन्हें राइट करना, तो ये डॉट डॉट करके इस तरह से मैच करवाना, ये एक्टिविटी मैं उसे देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास एक ये लिटिल बुक थी जो कि उसे अच्छी लगती है क्योंकि वो कभी कभी इस बुक को देखती है, सो वो इस बुक से भी पढ़ लेती है। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें जो हिंदी में ये दिए हुए हैं कैसे कबूतर, सो इसके बारे में लाइक पोइम के जैसे 2 लाइन्स दिए हुए हैं, कविता, कैसे कबूतर मन को भाए, गुटर गुटर गूं गीत सुनाए। सो इससे आपका बच्चा इंटरेस्ट लेगा इस चीज़ में, लाइक दैट। दिस बहुत छोटी सी और सिंपल सी बुक है बट अच्छी है आपके बच्चे के लिए। अगर छोटा बच्चा है आपका और बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इस तरह का एक छोटा सा ये आप लेके स्टार्ट करवा सकते हैं होम। सो नेक्स्ट दैट आई हैव वो हैं स्टोरी बुक्स। बच्चों को स्टोरी बुक्स बहुत पसंद होती हैं और उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, सो इस तरह से आप स्टोरी बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी स्टोरी बुक्स हैं जैसे स्लीपिंग बुक, ये बुक है, इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, इसमें लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज़ हैं। ये एक बुक है एंड ये एक बुक है, स्टोरी बुक्स हैं सारी। ये भी मेरे पास स्टोरी बुक है, ये भी एक स्टोरी बुक है जिसमें आपको 108 स्टोरीज मिलेंगी। सो इस तरह की स्टोरी बुक्स आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर रखिए। इसके अलावा आप जैसे कि पजल है मेरे पास इस तरह के 2 पीसेस, तो अगर आपका बच्चा इस एज ग्रुप में है 2-3 के अराउंड, सो आप इस तरह के ले सकते हैं पजल, या आप DIY कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और आपका बच्चा 2.5 से 3 के अराउंड है तो आप 3 पीसेस पजल भी कर सकते हैं। सो उसके लिए आप एमी की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं लास्ट ईयर की, तो वो आप देख सकते हैं। C3 नाउ, सो उसमें लास्ट ईयर की वीडियोस में आपसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आपका बच्चा है 3 ईयर के अराउंड। सो फॉर ब्रेन बूस्टिंग आई यूज़ दीज टाइप ऑफ शीट्स, फॉर दैट यू कैन सी माई शॉर्ट वीडियोज़ जिसमें दीवी एक्टिविटीज़ करती है, ये सब मैचिंग की, लीफ प्रिंट, एंड इनके अलावा भी मेरे पास और काफ़ी एक्टिविटीज़ है क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ दीवी ने कर ली हैं, तो अब उसे एक नेक्स्ट लेवल की एक्टिविटी चाहिए, सो वो सब मैं अब उसे करा रही हूँ।
नेक्स्ट थिंग इस तरह की एक मैचिंग की बुक है ये, जस्ट टू इम्प्रूव द फोकस, इस तरह की बुक अपने बच्चे के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी इमेज हैं और जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि बेटा ये बताओ, तो यहाँ पे फिर बच्चे को वो चीज़ मैच करनी है। सो इसमें जैसे 4-5 टॉपिक्स होते हैं, तो आपके बच्चे को आइडिया भी, नॉलेज मिलती है यहाँ से कि हॉस्पिटल में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, पार्क में क्या होता है, बीच पर जाते हैं तो क्या होता है। सो आपके बच्चे को नॉलेज भी मिलती है और इनसे उसके बच्चे का सिटिंग जो टॉलरेंस होती है, आजकल के बच्चे बैठते नहीं हैं, एक जगह पे स्टडी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आपके बच्चे की इम्प्रूवमेंट होगी, साथ साथ फोकस भी इम्प्रूव होगा। ये एक बुक मैंने ली थी उसकी, वन सी वॉज 1 ईयर और मे माइट बी 6-9 मंथ। सो ये बेबी टच वाली बुक है, ये अभी उसने फाड़ दी है, ये देखिए यहाँ पे बच्चे को टच एंड फील इस तरह की बुक है। इसमें रेनबो है लिटिल सा, फिर यहाँ पे ये हैं एक मिरर है जिसमें बच्चा अपना फेस देखता है, राइट, और यहाँ पर हैं ये डिफरेंट टाइप, इस तरह की आप DIY भी कर सकते हैं और कहीं से बाई भी कर सकते हैं इस तरह की बुक्स। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है टू इम्प्रूव फोकस। टू इम्प्रूव फोकस मेरे पास एक ये वाली बुक है, इसमें क्या होता है, ये है फाइंड एंड लुक की, ये मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए यूज़ करती हूँ, मामू के लिए भी, दीवी के लिए भी। इसमें ये देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है और स्टार्टिंग अगर आप करा रहे हैं तो आप बड़ी इमेज से कराइए और नॉन पिक्चर से कराइए कि ओके लाइन, सो लाइन फाइंड करो, एलिफेंट एलिफेंट, जिराफ, ये जो बड़े बड़े हैं इस तरह से ये फाइंड कराइए। अगर आपका बच्चे की एज 3+ है तो फिर आप ये जो छोटे छोटे हैं लाइक रैबिट, ऑस्ट्रिच, बैट, लाइक दिस, ये सब भी आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं। इससे आपके बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा और उसकी स्कैनिंग इम्प्रूव होगी। इसके अलावा जो है दीवी को बहुत पसंद है वो है ये बुक जो वो करती है। ये एक्चुअली इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इस तरह से बुक है तो उसे बहुत मज़ा आता है इनको ओपन करके और चेक करने में और ये क्या है। उसे बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपकी बुक बच्चा अगर 3 ईयर के अराउंड है तो आप इस तरह की बुक से उसे काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, उसे प्रोसेस समझा सकते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस होता है हमारे लंग्स का, हार्ट का, कैसे ये वर्क करते हैं, सेंसेस के बारे में आप उसे बता सकते हैं, राइट। सो इसके अलावा जो दीवी के कलेक्शन में आती है वो मैंने इंक्लूड की है ये बुक, ये EVS की एक बुक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे माई सेल्फ की बच्चा स्माइल कर रहा है, लाफ कर रहा है या एंग्री है। सो इससे आपका बच्चा सीखेगा एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, राइट। बच्चा से आप पूछ सकते हैं कि जब आप फेल डाउन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हर्ट होता है तो आप कैसा फील करते हैं, जब मॉर्निंग में व्हेन यू वेक अप तो आप कैसा फील करते हैं। ये एक्टिविटीज़ डेली रूटीन की, आप अगर सबसे पहले उठते हैं तो क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, इस तरह से ये हमारी बॉडी के बारे में है, लाइक आवर 5 सेंसेस जो होते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने बच्चे को विद फोटोज़ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फैमिली के बारे में बताया है। सो इस तरह से इसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक 2 से 3 ईयर का अगर आपका बच्चा है तो आपको देनी चाहिए। सो मैंने ये दीवी के लिए इंक्लूड की है। सो आई होप कि इन जो बुक्स कलेक्शन है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए मैं ये सब यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। इसके अलावा उसके टॉयज़ मैंने इस कलेक्शन में इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है अगर मैं वो सब भी इंक्लूड करती तो। सो इनके अलावा जो मैं उसकी जो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, डॉट मैचिंग एंड कलरिंग, कटिंग पेस्टिंग मैं DME के साथ ही उसे कराती हूँ, कलरिंग भी। डॉट मैचिंग के आई है वो ऑलरेडी शोन यू कि किस तरह से वो मार्कर से डॉट मैचिंग एक्टिविटी करती है, राइट। इसके अलावा मैं उसे कराती हूँ शॉर्टिंग एक्टिविटीज़, मैचिंग एक्टिविटीज़, सेम कलर सेम टाइप का एक शेप जो होती है, इस तरह से वो सब एक्टिविटीज़ मैं उसे कराती हूँ। फाइन मोटर के लिए जैसे प्ले डो और ये सब मैं उसे देती हूँ
क्रायोन्स, प्ले डो, सैंड प्ले, थ्रेडिंग लाइक दैट। सो अगर आप उन पर भी चाहते हैं वीडियो, तो मैं उन पर भी एक दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं एमी के टाइम की, और मैं दीवी को भी वो सारी चीज़ें हमें इन्वॉल्व कर रही हूँ। प्ले में मैं उसे जैसे ब्लॉक, स्टाइल्स, बॉल, स्लाइड, ये सब डांस, म्यूजिक, इन सब में मैं उसे इंक्लूड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं उसे इंक्लूड कर रही हूँ डस्टिंग में, वाटरिंग प्लांट्स में, चेंजिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, पुट द थिंग्स बैक। ये सारी चीज़ें मेनली तो मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि जहाँ की बेस्ट एजुकेशन पॉलिसीज और सिस्टम होता है, वहाँ पर भी बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है और क्लीनिंग पर बहुत वर्क किया जाता है। सो इसलिए मैं ये वाला पार्ट भी अपनी होम स्कूलिंग में इंक्लूड करती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने और अपनी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए एंड वेल मैनर्स। सो ये सारी चीज़ें, वेल मैनर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसे सिखाती हूँ। सो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय बाय।